के माध्यम से ये पूरे डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट की हर अथॉरिटी को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पंचायत घर है ये कंप्लीट नहीं है। ये 2014 में शुरू हुआ था तो उसी के उस वक्त का ही ये काम हुआ है। आप देखें इसकी हालत क्या है, ना इसकी बाउंड्री वॉल है, ना गेट है, कुछ नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की,
हम हायर अथॉरिटी से कई दफ़ा सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट से भी मिले, जो अभी है उनसे पहले भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर क्या, सेंटर वाले क्या, स्टेट के एडवाइज़र, लेकिन देखें आप ग्राउंड रियलिटी ये है, ग्राउंड पर कोई स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। बल हदर है, हर जगह पंचायतों का क्या, सभी डिपार्टमेंटों का बुरा हाल है। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, सरकार के पास जा के लोग तंग आ चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस तरफ तवज्जो दे, ये ताकि ये लोगों के जो मसले हैं वो हल हो सके। पंचायत घर की तरफ, पंचायत और भी कहीं हैं आरसपुरा सीतगढ़ में, सभी पंचायत घरों की बुरी हालत है, सरपंचों पंचों को बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, पंचायत घरों जो अधूरे पड़े हैं उनको कम्प्लीट करना चाहिए, खोखले वादे नहीं करने चाहिए लोगों से। आज सभी तरफ देखें, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूटमार, देश की तबाही हो रही है। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ा रही है और कोई सरकार का डेवलपमेंट की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कार्यां जो आरसपुरा क्षेत्र के साथ लगता एरिया है और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ है, वहाँ का रहने वाला हूँ। खारियां का जो पंचायत घर है उसकी हालत इतनी खस्ता है कि मुझे लगता नहीं है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इतना जो अनकम्प्लीट जो पंचायत घर होगा, क्योंकि ना वहाँ पर कोई पंचायत बैठ सकता है, ना सरपंच बैठ सकता है, ना पानी की कोई बैठने की जगह है, ना पानी पीने की जगह है, ना कोई चेयर लगा सकता है, ना उसकी बाउंड्री वॉल है। तो हमारी ये डिमांड है, हमारी जो जहाँ की J&K की एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, कि जल्दी से जल्दी इस पंचायत घर को कंप्लीट किया जाए, ताकि लोग अपने मसलों मसाइल जो हैं अपने पंचायत अपने नुमाइंदों तक रखें और उनके जो समस्याएं हैं उनका हल किया जा सके।